कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ाए जिंदगी आंख मिला के बात कर। फिर से एक सुबह, एंड आज सुबह मैंने क्या किया? बहुत कुछ खास कुछ भी नहीं किया आज, सिर्फ मैं सोच रही थी कि आज क्या करूं। सुबह उठ के मुझे लिसनिंग एक्सरसाइज करनी होती है, राइट? और लिसनिंग एक्सरसाइज में आज मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ था, और वो जब ऑफ हो जाता है ना, फिर से ऑन होने में उसको काफी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं, अब टाइम लगता है तो अपना डाउनलोड, अपग्रेड, अपडेट जो भी करना हो वो करता रहे। मैं अपना सुबह का काम करना शुरू हो गई, और फिर से मेरी चाय है आज। तो आप सोचोगे कि 10:30 बजे कैसे चाय पीती है, मॉर्निंग टी। हम तो पीते हैं, मान लो कि आज ऑफिस डे होता, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है, हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस जाना होता है, तो सुबह थोड़ा सा लेट होता है, राइट? एंड शायद यही, बस यही एक टाइम है, कोविड का टाइम, जब मैं देर उठने से कैसे लगता है वो मैं एक्सपीरियंस कर रही, जिंदगी में कभी नहीं किया था। सुबह मुझे जल्दी उठने की आदत हमेशा से थी, 5 बजे से, और अभी यही टाइम है जब मैं लेट से उठ रही, राइट? और आज, कल मेरे अचीवमेंट्स क्या क्या थे, कई सारे थे। मैंने यूट्यूब में चेक किया, आप ही लोगों की वजह से वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स थे मेरे यूट्यूब चैनल वॉच करने का। और फिर अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मैंने सीखा था कि मनी मैनिफेस्टेशन आजकल मेरा चल रहा है ना, मैंने खुद को टारगेट दिया हुआ है कि 7 डिजिट फिगर जो है वो मेरा मंथली इनकम हो। तो आप ही लोगों के साथ मैं चल रही हूँ कि अचानक से किसी एक दिन मैं ये ना बोल दूं कि लो आज मेरा 7 डिजिट वाला इनकम हो गया। वो प्रोसेस होता है, वो जर्नी होती है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उस जर्नी में चले। मैंने कल बोला था कि आप लोग एक विजन स्टेटमेंट अपना लिख लो कोई भी, और ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, वो तो हम किसी को नहीं पता है। आज के दिन में कैसे किसी को पता है कि कल क्या होगा, राइट? तो विजन स्टेटमेंट एक लिखो, छोटा बड़ा, और शेयर भी कीजिए मेरे साथ कि ये सही है नहीं है। आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको शर्म आती हो। पहली बार जब आप विजन स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो आपको पब्लिकली शेयर करने में बड़ी शर्म आई, बाद में एज यूजल हो जाएगा, क्योंकि सभी कोई शेयर कर रहा होगा इधर, तो किसी को ये नहीं लगेगा कि ये कैसे बोल रहा है कि इसका इतना हो जाएगा, राइट? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सुबह बड़ा हंगामा होता है मेरे यहाँ, क्योंकि जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो इधर से गुजरते हैं बड़ा शोर शराबा हल्ला करके, मानो कि कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी आवाज, ऐसे ही चिल्ला रहे, राइट? बट नो, उनको भी थोड़ा सा हम मार्जिन देते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल तो उनका भी है। शायद उनके जोश भरी आवाज से किसी को लगे नहीं भी लेना हो तो कोई ले ले, राइट? तो मैं ऐसे क्यों सोचूं, ये मेरा चॉइस है एक्चुअली, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ। तो वैसे ही आप ही का भी चॉइस हो सकता है, आप भी चॉइस कर सकते हो कि इसका बुरा मानो या भला, मतलब अच्छा मानो, राइट? तो मेरे पास एक चॉइस था, मैं इसको अच्छा मान के लो अपना बालकनी का दरवाजा बंद कर दी, मैं थोड़ी सी चाय पी लूं, चाय। वाह वाह वाह, सुबह की चाय बहुत मस्त होता है। आप क्या सोचते हैं, राइट? आप बोल सकते हो ना, कोई कोई तो ऑनलाइन हो, अब हाय तो बोलो, कम से कम मुझे पता तो चले कि आप कौन हो, राइट? तो कल एक दो लोगों ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे बोलने से उनको अच्छा लगता है, राइट? तो
मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगता होगा तभी आप सुन रहे हो। अगर आप मुझे बोल दो कि आपको किस टॉपिक के बारे में बोलना है, सुनना अच्छा लगेगा, या फिर दो तीन चार टॉपिक का एक मिक्स ही है, वो अगर आप मुझे बता दो कि मैं बोल सकती हूँ, राइट? इस दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड है, ऐसा लगता नहीं आपको? सारा कुछ ही कनेक्टेड है। जैसे मेरे सुबह उठना, चाय पीना, कोविड का होना, मेरा घर में काम करना, अगर मैं ऑफिस गई होती तो इस टाइम मैं फेसबुक लाइव पे नहीं आती ना, और मुझे आप इस तरह से भी नहीं दिख रहे होते हैं सुबह उठ के ना, अभी कुछ नया है धोया, कुछ भी नहीं किया और शुरू हो गए फेसबुक लाइव करने, ये कैसे है? और फिर थोड़ा सा हेल्थ भी मेरा सही रहता, अभी जैसे ही हेल्थ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, वैसे भी नहीं होता और सही रहता, राइट? और हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते, अपना कोई फाइल पे फाइल उठा के उस पे काम कर रहे होते, और कब मिलते आपसे? मिलते शाम को, राइट? शाम भी कब? 8 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि घर आते आते ही 7:30 बज जाता है यार। यहाँ मैं दिल्ली में हूँ अभी, तो पिछले 4 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ, और या 4 साल या 5 साल होने को है दिल्ली में, तो 17 में आ गई थी, 17 पूरा, 18 19 20 21, नहीं 21 अभी होने वाला है, राइट? तो इतना टाइम मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में घर से निकल के 2 किलोमीटर भी जाना हो तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप घर से निकलो, किसी से बात करो तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, तो बात क्या कर रहे थे? इस दुनिया में सारा कुछ कनेक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कैसे अचानक किसी के लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बताइए? अचानक अनरिलेटेड कुछ कैसे होगा? ऐसे कुछ होता ही नहीं है, उसका कहीं ना कुछ कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन की वजह से हमारा माइंडसेट है, और वो जो माइंडसेट है उसकी वजह से हमारा परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचें, बुरा सोचें, और वो अच्छा बुरा सोच के खुद खुद परेशान भी होते हैं कि क्या यार वो इतना बंदा, उसने कुछ गलत कर दिया, राइट? अब वो कोई जानबूझ के गलती तो नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के गलती नहीं करते, क्योंकि क्रिमिनल नहीं होता है कोई, राइट? हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छा जाए और वो भी किसी के लिए अच्छा करे। कोई अगर सामने खुश हो तो बंदे को खुशी ही मिलती है ना। हम भले ही, मतलब हाँ, जेलसी भी हो सकती है कि कोई खुश क्यों है, हम क्यों नहीं है, इस तरह की भी बातें होती है, लेकिन मान लीजिए उसके पास चॉइस हम दे दें कि आप किसी के खुश होने से खुश हो जाओगे या फिर किसी के दुखी होने से आप खुश हो जाओगे, वो जरूर बोलेगा कि कोई खुश होगा तो वो ज्यादा खुश होगा, राइट? हाँ, अभी ये बोलते बोलते मुझे दिमाग में आया कि कुछ लोग दुखी होते हैं तो भी हमको खुशी मिलती है, ऐसा लगता है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए लगता है? आपने कभी कंपेयर किया है कि आप किसी के दुखी होने से खुश जब हुए और किसी के खुश होने से जब खुश हुए, ये दोनों में थोड़ा कंपेयर करके देखिए, आपको दिखेगा कि किसी के खुश होने से आपको कहीं ज्यादा खुशी मिले, और ना आपकी दोस्ती बनी उससे, जो जो भी बंदे के बारे में आप बोल रहे हो, वो भले ही किसी वजह से आपका दिल दुखाया हो, जिसकी वजह से आप गुस्से में थे, और जो दुखी हो जाए तो आपको लगता था कि आप खुश हो जाएंगे, उसी बंदे से अगर आप 1 मिनट को सोचो कि आपने दोस्ती कर ली है, तो फिर आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? तो ये हेल्थ पे भी काम आता है। तो जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने खुद को एक टारगेट दिया है, तो उस टारगेट में ये सब जर्नी बहुत ही एसेंशियल है। जब आप दिमाग को किसी बात पे उलझा रहे हो, आपका एनर्जी कहीं और जा रहा है, राइट? एनर्जी कहीं और अगर जा रहा है तो आप पूरा फुल्ली फोकस तो नहीं हो पा रहे हो कहीं एक जगह,
जगह कोई अच्छी बात पे, जहां भी आप ओपन कर रहे हो, मतलब जो भी जिस पे भी आप फोकस करते हो ना, वो एक्सपांड होता है, मतलब वो बढ़ जाता है, उसका स्कोप बढ़ जाता है, राइट? तो स्कोप बढ़ाने के लिए आपका एनर्जी फोकस होना है कहीं पे, अदरवाइज आपका एनर्जी थोड़ा 15% यहाँ पे, 5% उधर पे, 10% उधर पे, 20% कहीं और जा रहा होता है, राइट? तो आप अपने एनर्जी को फोकस करो। जब बोलते हैं ना कि आप फोकस करके अपने माइंड को एक जगह लाओ, तो वो ध्यान करके बैठने की बात नहीं होती है, वो ये होता है कि जो आप सोच रहे हो, सोच में से अगर आप जो जो मिलावट है उसको अगर निकाल दो, तो आपका थॉट प्रोसेस जो है प्योर हो सकता है। आप किसी और के लिए थोड़े ना कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो ना, आपकी अपनी एनर्जी है भाई, अपनी अपना हेल्थ है, उसके लिए आप कर रहे हो, तो इतनी कंजूसी क्यों? आप आराम से कर लो ना, कर लो अभी के अभी कर लो। तो और जब हर बात पे आपको लगे कि यहाँ भी आप मुस्कुरा सकते हो, तो उसी दिन आपको समझ में आएगा कि खुश होने में कितना फायदा है, राइट? तो ये था। हालांकि मैं तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन आप हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं बोलती हूँ, जब बोलती हूँ तो बहुत सारा बोलती हूँ, और चूंकि मुझे सारी बातें कनेक्टेड लगती हैं, तो एक बात से मैं दूसरे बात पे आराम से छलांग लगा सकती हूँ। लेकिन उसमें अगर आपका कोई कमेंट आ जाए ना, जो भी कोई ऑनलाइन होता है उसका कोई कमेंट आ जाए कि आप ये बोल रहे हो, आप ये सुन रहे हो, या फिर आप ये सुनना चाहते हो, या फिर मेरी कोई ये बात या वो बात अच्छी लगी, तो फिर बोलने में मजा आता है, राइट? तो पता नहीं मेरे व्यूअरशिप में कौन है, अभी अभी तो मुझे दिख नहीं रहा कि व्यूअरशिप में मेरा कौन है, लेकिन बाद में अगर मुझे दिखेगा, तो अगर आपका कमेंट बाद में ही भले ही सही, बाद में अगर भी आ जाए तो चलेगा, फिर से आप ऑनलाइन आ गए, जो भी हो एक ही बंदे आ गए। यार ये कैसे होता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं और जब मैं बोल रही होती हूँ तो एक या दो आते हैं, क्यों? मेरे बाद में इंटरेस्ट नहीं होता, बाद में तो आपको फॉलो करते हो, बाद में ऑफलाइन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप आपके बोलने से हमको अच्छा लगा, तो अभी बोलो ना। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं फिर एक और एपिसोड के साथ, फिर कभी, शायद कल, कल मेरा ऑफिस है। मिलते हैं, थैंक यू।